आप हैं जहां, न्यूज ब्रॉडकास्ट है वहां। गुरुग्राम की सीएम फ्लाइंग टीम और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शुक्रवार को तीन डेयरियों पर छापा मारा। सीएम फ्लाइंग की गुरुग्राम टीम ने सोना में संचालित दीपक डेयरी, चिलिंग पॉइंट और शाम डेयरी के साथ ही पटोदी रोड पर संचालित सुनील डेयरी प्लांट से दूध, घी और पनीर का सैंपल लिया, जिसके दौरान दीपक डेयरी चिलिंग प्लांट में रखे 450 लीटर देसी घी में से एक सैंपल और 6000 लीटर दूध में से दो सैंपल लिए गए, तो वहीं शाम डेयरी में रखे हुए 30 किलो पनीर का और 15 किलो देसी घी का एक एक सैंपल लिया गया। तो वहीं सुनील डेयरी में रखे 240 किलो दूध, 15 किलो पनीर और बिना मार्को के पैकेट में बंद 20 किलो देसी घी के 4-4 सैंपल लिए गए। छानबीन के दौरान सामने आया कि दीपक डेयरी चिलिंग प्लांट में मिक्स दूध नू जिले से लाया जाता था और फिर उसी दूध को टैंकरों के द्वारा बल्लभगढ़ के गांव सोफता स्थित गुड हेल्थ फैक्ट्री में भेजा जाता था। सीएम फ्लाइंग अधिकारियों के मुताबिक छापे का मुख्य उद्देश्य यह है कि लोगों को खाने पीने की चीजों में किसी प्रकार का कोई मिलावटी सामान ना मिले और खाने पीने के सामान में मिलावट ना हो, इसे ध्यान में रखकर समय समय पर इस तरह की छापेमारी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ब्रॉडकास्ट।